अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है ना दोबारा से कफ़ारा की एपिसोड लग चुकी थी और मुझे ना अब जो है ना सितारा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी हर एक से, ठीक है कि जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन बहुत ही बदतमीज़ी से जो है आगे से जवाब दे रही होती है सबको। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाह रही है। उसके बाद जो है ना सलार जब से उसकी शादी हुई ना सितारा के साथ, बेचारा ना बुंदला गया है, बेचारा परेशान ही हो गया कि मैंने क्या किया है। एंड देन ये जो है ना सितारा का जो भाई है और जो कज़न वो आपस में बात कर रहे थे, भाई जो है ना वो कह रहा था क्या वो मेरा पूछ नहीं रही थी, सैड सा हो रहा था, ये लग बात है कि अकल इसको पहले आनी चाहिए थी। उसके बाद जो है ना सलार ना सितारा को समझा रहा होता है कि मेरी मतलब मेरी गलती क्या है, तो सितारा एज ऑलवेज उसे बदतमीजी कर रही होती है और कहती है कि आपकी मंगेतर यहाँ क्यों आई थी, आपकी मंगेतर करी जाती है, वो कही भी जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में मंगनी नहीं हुई थी। देन उसके उसके घर लेके जाता है अपनी जो भी मंगेतर के घर और कहता है कि देख लो ऐसा कुछ भी नहीं है, यदि मेरी मंगेतर है ना ये बकवास कर रही थी। उसके बाद जो है ना वो वापस आ जाते हैं, सितारा के कज़न का रिश्ता आता है और जो आंटी होती है ना वो पता नहीं क्या कही जाती है, बेटा चल के दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, ये करके दिखाओ। वैसे तो मुझे जहर लगती है, लेकिन जब उसने कहा था ना कि आंटी मैं आपको डांस करके दिखाओ, मुझे बहुत ही मज़ा आया था, ऐसे देसी आंटी के साथ जो है यही होना चाहिए। एंड देन दादी जो है ना वो दोबारा सलार और सितारा के बीच जो है दोस्ती करवाना चाह रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि इन दोनों के बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। तो बस ये था रिव्यू, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। बाय।